जी हाँ, जवाब तो देना होगा क्योंकि अयूब पंडित जैसे जवानों को इंसाफ चाहिए। कभी हमारे जवान आतंकियों का शिकार होंगे, कभी पत्थरबाजी का शिकार होंगे, तो कभी भीड़ का। इसलिए जवाब तो बिल्कुल देना होगा। अयूब पंडित वही जवान जो मस्जिद के बाहर मौजूद था, किसी को भनक लगी कि अयूब फोटो ले रहा है आने जाने वालों की। फिर इसके बाद भीड़ ने जो कुछ किया, वहां पर मौजूद लोगों ने जो कुछ किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भीड़ का ये गुस्सा एक और हीरो को लील गया। कश्मीर का एक और जाबाज जमहूरियत की मौत मारा गया। गुस्से में बेकाबू भीड़ ने एक और हीरो को मौत की नींद सुला दिया। इंसानियत मरती रही और वो देखते रहे। भीड़ के इस गुस्से ने एक और हीरो को मार डाला। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज अफसर मोहम्मद अयूब पंडित के आखिरी पलों की है। मोहम्मद अयूब पंडित अपने मुल्क, अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए तैनात थे, लेकिन इस जाबाज को अपने ही लोगों ने मार डाला। भीड़ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज अफसर मोहम्मद अयूब पंडित को मौत की नींद सुला दी। यह घटना श्रीनगर के जामा मस्जिद के बाहर की। रमजान में जुमे की आखिरी नमाज को देखते हुए घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही थी। श्रीनगर के जामिया मस्जिद के बाहर डीएसपी मोहम्मद अयूब तैनात थे। अयूब मस्जिद के बाहर वीडियो बना रहे थे। कुछ लोगों को शक हुआ कि वो जासूस हैं। लोगों ने उसे घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। हंगामा होने के बाद मोहम्मद अयूब ने हवा में 3 गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद हंगामा कर रहे लोगों ने डीएसपी पर हमला कर दिया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। ये मीरवाइज के सिक्योरिटी डिटेल को एग्जामिन कर रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि रमजान की रात है और मस्जिद में तब नमाज चल रहा था। उसके बाद मस्जिद में एक किस्म के जश्न हो रहे थे और मीरवाइज वहां पे थे। और इस दौरान ये लिंचिंग करना, मैं तो इसको एक आतंकी हमला कहता हूं। जरूर बंदूक नहीं थे, हाथ का इस्तेमाल किया गया और इसे लिंच किया गया। ये बिल्कुल आतंकवाद का एक और एक नया रूप है जो पहली बार कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज अफसर मोहम्मद अयूब पंडित को आखिरी सलामी की हैं। हर दिन खतरनाक हालात में ड्यूटी करने वाले सहयोगियों ने अपने जाबाज साथी को सलामी दी। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं, पर इस वजह से ये सबर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रिस्ट्रेंट। पर जिस वक्त, जिस दिन इनके सबर का पैमाना लबरेज होगा, तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये लोगों से ये गुजारिश है, ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र तहमुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे, तो खुदा ना खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा, तो फिर शायद वही खुदा ना खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। बेशक ये शर्मनाक है। मुकदस मौके पर इस बेरहमी शर्मनाक तो है ही, बड़े सवाल भी खड़े करती है। सवाल उन लोगों के लिए जो मानवाधिकार की दुहाई देकर सुरक्षा बलों को घेरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पत्थरबाज को जीप से बांधने पर हैत तो मचाने वाले अब क्या कहेंगे? मस्जिद के बाहर सुरक्षा के लिए खड़े जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज अफसर को आतंकियों के यारों ने बेरहमी से मार डाला। डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित पर खूनी भीड़ ने हमला कर दिया। डीएसपी ने हवा में गोलियां चलाई, लेकिन आतंकियों के यार ये जानते थे कि पुलिस अफसर सीधे गोलियां नहीं चलाएंगे और उन्होंने जाबाज अफसर को बेरहमी से मार डाला। अब जरा सोचिए, अगर मेजर गोगोई ने उस वक्त पत्थरबाज को ढालना बनाया होता, तो वो भीड़ उनका क्या हाल करती? लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था, ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, वो वहाँ कोई हालात खराब ना करे, ताकि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ सकें, खुदा का नाम ले पाए। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने, जो उनको बचाने वाला था, उसको शहीद किया और लिंच किया। बहुत अफसोस की बात है। इंसानियत और हैवानियत में फर्क बहुत कम हो गया।
और अच्छाई और बुराई में लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा। दो लोगों को अरेस्ट किया है और थर्ड आइडेंटिफाई किया है, बाकी सबको भी दे विल हैव टू फेस द लॉ। अहम बात यह है कि जिस वक्त इस जाबाज पर अटैक हुआ उस वक्त मस्जिद में अलगावादी मीरवाइजर उमर फारूक भी मौजूद थे। ये जाबाज अफसर मीरवाइज की सिक्योरिटी को ही जांच कर रहा था और संभव है कि अलगावादियों ने ही इस भीड़ को उकसाया हो, हालांकि इसके पुख्ता सबूत अभी नहीं है। शहीद जाबाज को आखिरी सैल्यूट के लिए जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती अपने मंत्रियों के सहयोगियों के साथ पहुंची। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पहुंचे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस नई चुनौती से महबूबा की सरकार कैसे निपटेगी। अब आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी ही नहीं बल्कि कश्मीरी भी आ गए हैं। महबूबा मुफ्ती को भी एहसास है कि सब्र की एक लिमिट होती है और जो ट्रेंड घाटी बीते कुछ दिनों से देख रही है वो बेहद खतरनाक है। श्रीनगर में आतंकी भीड़ का ये चेहरा दो सवाल उठाता है, एक ये कि सुरक्षा बलों के धैर्य की परीक्षा कब तक, और दूसरा ये कि क्या आतंकियों ने अब कश्मीरी नौजवानों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।